हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित में यूनिट नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। ये मैथ है क्लास 10th की। आपको हम इसमें बता दें कि किस तरीके से हम संख्या करते हैं। यहां पर हमारे पास हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहे हैं, यहां पर भाज्य होता है। भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है। यहाँ भागफल होता है, भागफल। और जब हम यहाँ कोई संख्या घटाकर लिखते हैं तो यहाँ होता है शेषफल, शेषफल। और यहाँ होता है भाजक। इस प्रकार हमारा जो फार्मूला बनकर तैयार होगा वह किस टाइप से होगा, देखिएगा। सबसे बड़ा हमारे पास भाज्य होता है, तो यहाँ होता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भागफल और भाजक का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां लिख देंगे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। स्टूडेंट्स, अभी तक यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण आने वाली मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्टों की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। सवाल नंबर, इसमें मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूँ आपको। निम्नलिखित संख्याओं का महत्व समापवर्तक HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है इसमें 135 एंड 225, यानी 135 और 225। तो सबसे पहले तो इस सवाल में हम ये देखते हैं 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है। आप देखेंगे 135 में और 225 में सबसे बड़ी संख्या 225 है। तो 225 के तरफ इसका मुंह खुल जाता है, इस चिन्ह का। कुछ लोगों को मालूम नहीं होता ये ग्रेटर देन है लेस देन है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ मुंह खुल जाता है। तो आप समझ लीजिए 225 बड़ी संख्या है, और जो बड़ी संख्या होती है हम उसको यहां ले लेते हैं 225, और यहां आएगा 135। अब 135 का अब यहां पर करते हैं, बहुत ही सरल विधि से हो जाएगा ये सवाल। 135 को 225 यानी कि 225 में भाग दे देते हैं। 135 एकम 135, 135 दूनी 270, 270 क्या है, 225 से बड़ा है, इसलिए हम 135 का एकम 135 का पारा एक बार ही पढ़ेंगे। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 है हासिल लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया 9, 90। अब देखिए यहीं से ये फिर चालू हो जाएगा और ये 135 यहाँ आ जाएगा। ये भी याद रखेंगे शेषफल में इस वाली संख्या छोटा होगा तभी ये संख्या यहाँ आएगी, वरना ये संख्या यहाँ नहीं पहुंचेगी। फिर 90 एकम 90, 90 दूनी 180, 180 बड़ा हो जाएगा, तो हम एक बार लेंगे 90 एकम 90। 10 5 का 5 बचा और 13 में से 9 घटा दीजिए, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचा। फिर हम यहाँ ऐसे कर देंगे क्योंकि 90 से कम है 45, और 45 90 के पारे में 45 नहीं आता है, तो अब यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा 45। तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, पूरी बात चला गया, इसका मतलब हो गया सवाल। अब ये 135 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, यहाँ भागफल आता है तो भागफल हमारे पास 1 है, तो 1 आ गया। प्लस शेष कितना बचा था, शेष ये बचा था 90, हमने यहाँ 90 लिख दिया। देखिए अगर हम इस विधि से यहां तक कर लेंगे तो यहां पर हमें केवल उतारना होगा। फिर हमने 135 को हमने यहां ले लिया, और ये जो 90 था इसको हमने यहां ले लिया गुणा और प्लस। देखिए 90 का पारा हमने कितनी बार पढ़ा था, 90 का पारा पढ़ा था हमने एक बार, यानी भागफल हमारा 1 हो गया। शेषफल कितना बचा, 45 ये बचा शेषफल। अब ये 90 हम यहां ले लेते हैं और 45 यहां ले लेते हैं, फिर भागफल कितना होगा और शेषफल कितना बचेगा,
यहाँ देखा हमने 45 का हमने टेबल 2 बार पढ़ा था, तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा? 0, कुछ नहीं शेष में, कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब 0 बचा है, और 0 बचा है मतलब कुछ नहीं। तो इसका जो HCF होगा, HCF वो होगा 45। इस प्रकार इसका आंसर आ गया, आप इस विधि को नोट कर लेंगे। तो सवाल नंबर सेकंड देखते हैं इसका, 196 और 38,220। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 38,220 सबसे बड़ी संख्या है और 196 सबसे छोटी संख्या है, तो यह आ जाएगा 38,220 बराबर 196। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन इसके स्टार्टिंग के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं केवल तीनों क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। 196 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि इतना आ जाए या शेष बचे, जो भी है। तो हम इसके लिए रफ काम करेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ देखेंगे 196 से हमें 38,220 में पहाड़ा पढ़ना है। तो 196 एकम 196, 196 दुनी, जिनको नहीं आता है वो 196 को 2 से गुणा कर सकते हैं। तो 196 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छिंग 12 का 2 हाथ लगा एक, 2 नीम 18 और 1 19 का 9 हाथ लगा एक, 2 एकम 2 और 1 3। देखो यहाँ पे 392 आ रहा और यहाँ 382 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एक बार जाएगा 300, सॉरी एक बार जाएगा 196। तो यहाँ से हम यहाँ से कैरी लेंगे 12, 12 में से 6 गया, ये 2 था, यहाँ से कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ पर बचा 7, यहाँ से लेंगे यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक उतर जाता है, आप भाग करना जानते होंगे तो उतर जाएगा। अब ये संख्या 196 से बड़ी है। अब ये संख्या जब बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका पहाड़ा फिर देना पड़ेगा। 196 को आप एक बार, दो बार, तीन बार गुणा कर करके देख सकते हैं रफ काम में, ये जाएगा 9 बार, 9 5 बताए 9 6 54, 54 का 4 हाँसी लगा 5, 9 9 81 और 5 86, 86 का 6 हाँसी लगा 8, 9 1 9 और 1 10 और 7 17, 1764 कितना आ रहा है? 1764। अब आप कहेंगे कि 10 बार क्यों नहीं किया? 10 बार करने पे केवल 9196 के पीछे 0 लग जाता है, तो ये तो वैसे ही ज्यादा बड़ा हो जाता, यानी 10 बार गुणा करते 196, यानी ये हो जाता 1960 अगर हम 10 बार देंगे। तो 10 बार में जाएगा नहीं क्योंकि बड़ी संख्या बैठेगी, फिर हम इसे घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, यहां बचा 5, यहां पर जब 5 है तो यहां क्या हो जाएगा? यहां से कैरी लेंगे और कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 6 गया 9, यहां बचा 7, 7 में 7 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ये वाला देखिए, ये वाला 2 तो यहां उतर गया था, अब ये वाला 0 जो है यहां उतर जाएगा। आपको ऐसे चिन्ह नहीं लगाने हैं, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लगाया है। और 196 को यदि हम 5 बार दें तो 5 6 30 हाँ से लगा 3, 5 नीम 45, 45 46 47 48, 48 का 8 हाँ से लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9, इस प्रकार 980 आ जाएगा। कितने बार? ये बार 9 बार दिया था और ये 5 बार दे दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आप सोचेंगे 98 बचा था तो ये क्यों नहीं गया इधर, क्योंकि ये 0 भी तो बचा था, जब हमने 0 उतार लिया तो ये 980 हो गया, 196 से बड़ा हो गया, इसलिए हमने इसका पहले भाग देना पड़ता है। तो ये सवाल क्या है, यहाँ आ जाएगा कितने बार भाग दिया? 195 बार भाग दिया और शेषफल आया 0। तो यहाँ HCF क्या आ जाएगा? HCF इक्वल टू 196, HCF ये होता है ना कि ये होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका आंसर आ गया है। सवाल नंबर 3, 867 और 255, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें देखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 867 है, यानी 867, यह 255। इसमें जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या को हम सबसे आगे ले लेते हैं, फिर 255 यहाँ आएगा, यहाँ गुणा आएगा, फिर यहाँ वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। किस तरीके से करना है फिर वही विधि हम अपना लेंगे। 255 से हम
867 में भाग दे देंगे, यानी कि 255 का पारा हम 3 बार पढ़ेंगे। देखिए 12 किसी को आता नहीं है, गुणा करके भी मालूम चल जाता है। तो क्या जाएगा, 3 × 5 = 15 का 5, हाँसी लगा 1, 3 × 5 = 15 और 1 × 16 का 6, हाँसी लगा 1, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, ठीक है 765 आ गया। और ये कितने बार पढ़ा पढ़ा, 3 बार, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 7 में से वो 8 में से 7 गया 1। अब 102 255 से छोटा है, तो 255 के पारे में 102 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 255 यहाँ उतार लेंगे, क्योंकि अब फिर हमने 102 का पारा 255 में भाग देना है, इसका पारा बढ़कर। तो 102 एकम 102, 102 दूनी 204। आप को यदि पारे नहीं आते हैं तो 1 से गुणा करके, 2 से, 3 से गुणा करके भी देख सकते हैं। 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 5 का 5, यहाँ 2 का 2 ही बचा। अब 51 है, यहाँ पर है 102, तो 51 छोटा है इसलिए हम 102 यहाँ ले लेंगे। छोटा है किससे, छोटा है 102 से छोटा है, इसीलिए 102 यहाँ आया। 51 दूनी 102, ये कट गया। आप देखेंगे 255 का पारा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, शेष कितना आया, 102 आया। अब 255 यहाँ आ जाएगा आपका बराबर 102 यहाँ आ जाता है, ये वाली संख्या उठकर यहाँ पहुंच जाती है इसके स्थान पर। तो ये देखिए यहाँ आ गया। इस प्रकार से हमें समझते रहना है कि संख्या पहुंच कहाँ रही है और किस हिसाब से। गुणा प्लस, 102 का पारा कितनी बार पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था, शेष कितना आया 51, यह आया 51, फिर 102 आगे आ गया और यहाँ कितना बचा, 51 यहाँ ले लिया, प्लस यहाँ पर सॉरी गुणा आएगा, यहाँ पर 51 का पारा कितनी बार पढ़ा और शेष कितना बचा, 51 का पारा हमने 2 बार पढ़ा और शेष आया हमारे पास 0। तो एच सी एफ क्या हो गया इसका, एच सी एफ हो गया 51, 51 ये इसका आंसर आ गया। यदि स्टूडेंट्स आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट्स, वीडियो कैसी लगी और आप कौन से सवाल आपको अच्छी तरीके से और समझना है उसके बारे में कमेंट्स करके भी भेज सकते हैं, जिससे कि हम और बेहतर वीडियो बनाकर आपको दे सकें। जय हिंद, जय भारत।